इसमें शामिल कर सकते हैं एंड ठीक है, बड़ा टेस्टफुल होता है इस तरीके से आप डाल दें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। आप याद करेंगे कि मैंने आपको कोई रेसिपी बताई है, कमर्शियल लेवल पे काम करने वालों के लिए गिफ्ट दे रहा हूं, कैटरिंग का काम करने वालों के लिए टिप्स दे रहा हूं, आप करने वाले तो बने मेरे भाइयों। लबे शीरी किस तरीके से तैयार होती है, किस तरीके से आप उसको बड़े पैमाने पे बना सकते हैं हाथ के हाथ फटाफट, किस तरीके से आप उसको घर वालों के लिए बना सकते हैं, हर बात बताने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। लबे शीरी तैयार करने के लिए मैंने 3 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। अब जो कैटरिंग का काम करने वाले या शादियों पे जो लबे शीरी तैयार होती है वो खुश्क मिल्क से, खुश्क दूध से तैयार करते हैं, बात समझ आ रही है। वो गाय का भैंस का दूध इस्तेमाल ही नहीं करते, ना डब्बे वाला इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैटरिंग का काम करना चाहते हैं, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता दूध या मिल नहीं पाता इतने बड़े पैमाने पर, 20 किलो 25 किलो 30 किलो और फटाफट से उन्होंने बनाना होता है, तो वो खुश्क दूध से तैयार की जाती है। उसका उसकी जो देग किस तरीके से तैयार होती है उसका फार्मूला भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ये मैंने 3 किलो दूध ले लिया सिंपल जो आप घर में लेते हैं, और ये मेरे पास 100 ग्राम मिल्क पाउडर है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कमर्शियल लेवल पे ये खुश्क दूध जो है ना यूज़ होता है, ये बात आपके जहन में रहे। ये इसमें शामिल कर दें, अभी नीचे से हमने आग फ्लेम ऑन नहीं की, बात समझ जहन में रहे आपके, और इसको इस तरह हैंड बिटर से अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि गुठली वगैरह ना रहे। ठंडे दो दे मिक्स करते हो, ये हमने खुश्क दूध जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, फ्लेम को ऑन कर दें, इसको बॉयल आने दें। दूध को हमने बॉयल आने के लिए छोड़ दिया। ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी, ठीक हो गया। आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, बनाना में ले लें, ठीक हो गया, स्ट्रॉबेरी में ले ले, किसी में भी ले ले। मैंने स्ट्रॉबेरी में ले लिया और इसमें 100 ग्राम शामिल कर दिया। इसके अंदर थोड़ा सा पानी आधा गिलास शामिल कर दें इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इस तरीके से ले लें। ये मिक्स हो गया, इसको साइड पे करने लगे हैं। यहाँ पे हमने ये दो इस तरह के जो है ना ये हमने पैन ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने जैली तैयार करनी है। ये 2 पैकेट जैली जैली के हैं, रेड कलर की ग्रीन कलर की, ठीक हो गया। 80-80 ग्राम इनका वजन है, हमने आधा आधा पैकेट इस्तेमाल करना है 3 किलो के फार्मूले में, ठीक हो गया। आधा पैकेट यानी कि 40-40 ग्राम, ठीक हो गया। आधा पैकेट इसमें शामिल करना है, ये देखें, और आधा पैकेट ग्रीन वाला इसमें शामिल कर दें, ताकि हम इसको अभी से इसलिए बना के रख रहे हैं, इसको हमने पहले गर्म पानी डालना है, फिर इसको हमने ठंडा करना है, फिर हमने इसको फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। ये हमने डाल दिया, ये मेरे पास पानी है, बॉयल हुआ पानी उबल रहा था, ठीक हो गया। ये हमने ले लिया, ये 1 कप हमने इसमें शामिल कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 कप हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करने लगे हैं, अभी आपको तरीका का दस दें, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर दें, ठीक हो गया। ये ग्रीन वाला मिक्स कर दिया, इसको भी इस तरीके से मिक्स कर दें, ठीक हो गया। मिक्स करके इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठीक हो गया। ये ले व्यूअर, दूध गर्म हो चुका है, इस टाइम पे आके 1 पाव चीनी शामिल होगी 3 किलो का फार्मूले में, अगर आप कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल फिट रहेगा, ठीक हो गया। 1 पाव चीनी शामिल कर दें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमने एक पैन में पानी बॉयल करने के होने के लिए रख दिया था, गर्म पानी में आप इसको आँच कम कर दें, और 1 कप ये सवैयों का है मेरे पास, रंगीन सवैयाँ जो होती हैं चाय वाला 1 कप इसमें शामिल कर दें। कुछ लोगों की मेरे पास कॉल आई हुई थी, वो पूछ रहे थे कि हमारी जो सवैयाँ हैं जब इनको हम बॉयल करते हैं तो ये आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। आपने करना इस तरीके से है कि इसको 2 मिनट सिर्फ बॉयल करना है, उसके बाद इसको गर्म पानी से निकालना नहीं है। जब आप फौरन गर्म पानी से निकाल के उतना ठंडा पानी दाब दे वो आपस में जुड़ जाती हैं, बात समझ आई। इसको इसी पानी में ठंडा होने दें, ये बॉयल होने के लिए छोड़ दिए, 2 से 2.5 मिनट लगेंगे बस, ठीक हो गया। फिर मैं इसको पानी से नहीं निकालूंगा। यहाँ पे चीनी शामिल कर दी,
यहाँ पे हमने जेली रेड भी और ग्रीन भी इसको जमने के लिए छोड़ दिया, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे हमने कस्टर्ड को भी मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक हो गया। देखें जी दूध को बॉयल आना शुरू हो गया अच्छे तरीके से। ये जो हमने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल के रखा हुआ था पानी में, इसके अंदर शामिल करेंगे आस्ता आस्ता, चम्मच को हिलाते रहेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। ऐसे इस तरीके से दो मिनट सिर्फ इसको और चूल्हे पर रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। दो मिनट के बाद ये देखें ये दूध हमारा थिकनेस की तरफ जाने लग गया, ये देखें। बस इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें और इसके अंदर चम्मच हिलाते रहे या किसी खुले बर्तन में परात थाली पानी लाके देगड़ी रख दो ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। और चम्मच भी हिलाते रहे ताकि जमने की तरफ भी ना जाए, लिक्विड भी रहे और ठंडा भी हो जाए, ठीक हो गया। और ये जो जेली है इसको हम फ्रिज में रखने लगे हैं, ये जमने की तरफ चली गई, ये देख लें आप इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे, इसको कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। सवैया बॉयल हो चुकी है, पानी में से निकल गया, थोड़ी देर में इसको पानी से निकाल देंगे, ठीक हो गया। ये जो सवैया थी ये इस तरीके से देख लिया, अकेली अकेली है इस तरीके से, हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था बॉयल करने का तरीका, इस तरीके से बॉयल करके हमने यहाँ पे रख ली और इसका वाटर ड्रेन कर दिया। यहाँ पे ये जेली जो है ना ये हमने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखी थी, ये देखें ये पूरी तरीके से हार्ड हो गई, जम गई। छुरी की मदद से इसको इस तरीके से कट लगा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे 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 ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे 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 इसको कट लगा के इसको यहां से इस तरीके से, ये देखें ये देखें, सुभान अल्लाह बहुत प्यारी तरीके से ये हमारी तैयार हो गई, ये देख रहे हैं आप, ये देखें इस तरीके से यहाँ पे तैयार हो गई। अब ये ग्रीन वाले काट रहे हैं, ये ले ग्रीन वाली को काट के इसको ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। साइज अपने हिसाब से आप क्यूब बना सकते हैं जैसे दिल चाहे, ये देखें इस तरीके से मैंने बना लिए, ये भी बना लिया, ठीक हो गया। ये मेरे पास कॉकटेल मिक्स फ्रूट का जो डब्बा मिलता है मार्केट से कॉकटेल के नाम से, मिक्स फ्रूट होते हैं, पाइनएप्पल भी होता है, मजीद और चीज़ें भी होती हैं। इसको इस तरीके से, इसका वाटर हमें नहीं चाहिए, इसको इस तरह निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ऊपर एक दफ़ा पानी घुमा लेंगे, ठीक है। पानी घुमा लूँ अच्छे तरीके से फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 6 अदद केले ले लिए पके हुए थोड़े से, ठीक हो गया, गल समझ आ गई। इनको इस तरीके से काट लें बारीक बारीक, कोई मसला नहीं है, पक्के होने चाहिए। इनकी निशानी ये है कि अंदर इस तरह के ये थे, देखें इस तरह का होता है इसका कलर, तो ये सही केले होते हैं, कच्चा केला नहीं दाब देना बेच इस तरीके से। ये ले और ये केले हमने काट लिए छे, ये हमने ठंडा करने के लिए इसको पानी में रख दिया था और 2-3 पानी चेंज कर दिए थे नीचे से, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो गया अच्छे तरीके से, अब इसको निकालने लगे हैं, इसको यहाँ पे ले आए। इस टाइम पे आके ये जो सवैया हमने तैयार की थी ये इसके अंदर शामिल कर दें, ये देखें कोई जुड़ी छुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल कलियाँ कलियाँ ने, ठीक हो गया। ये जेली रेड वाली शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से ग्रीन जेली शामिल कर दें, मक्खन ते बाबा होण बना रहे हैं, इस तरीके से केला शामिल कर दें फौरन ताकि ब्लैक की तरफ ना जाए, इस तरीके से हैं लबे शीरियां, ये देखें इस तरीके से शामिल कर दें अच्छे तरीके से इसको। ये जो हमने कॉकटेल लिया था एक डब्बा छोटे वाला, ये शामिल कर दें इस तरीके से, गुल्फा आइसक्रीम 1/2 लीटर वाला जो पैक होता है वो हमने ले लिया था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं इसमें, शामिल कर दें अच्छे तरीके से साफ करके, ठीक हो गया इस तरीके से अच्छे तरीके से, हा 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 लबे शीरें, इस तरीके से शामिल कर दें और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 30 से 35 मिनट के बाद आपको फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। 1/2 घंटे के बाद इसको हमने फ्रिज से निकाल लिया, ठीक हो गया। ये ठंडी ही सर्व होती है, सुभान अल्लाह, थिकनेस देख लें किस तरह की है, कमाल की, हाँ ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे निकाल लें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाबिया की बड़ा छटियाई इस तरीके से।
इस तरीके से ये डिश आउट करके, मेरे पास बादाम है कटे हुए इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे रखें, यहाँ पे ऐसे रखें और ये हर तरफ इस तरह लगा दें, ठीक हो गया इस तरीके से। बादाम लगा के ये काजू थोड़े से बारीक कटे हुए इस तरीके से डाल दें। ये जो है ना ड्राई फ्रूट, अपने हिसाब से आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा टेस्टफुल होता है। इस तरीके से आप डाल दें इसको, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। ये हमने काजू भी डाल दिए अपने, ठीक हो गया। इस तरीके से लबे शीरी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं, किस तरीके से आप कैटरिंग के का बिजनेस कर सकते हैं, मेरे भाइयों मुकम्मल गाइड कर दिया बाबे ने तुहानू। तुसी कम करने वाले तो बनो। अगर आपको हमारी ये लबे शीरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मेरे भाइयों शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा, उतना भला हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।